हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आपसे चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट आज की वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर वन है थर्टी सिक्स इंग्लिश की वर्कशीट है ये बच्चों डेट है आपके अट्ठारह दिसंबर ये क्लास फर्स्ट की है यहाँ आज जो हम करने वाले हैं रिवीजन वर्कशीट करने वाले हैं यहाँ आप पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आप आपको अपने टीचर का नाम लिखना है ठीक है स्टूडेंट्स हेलो चिल्ड्रेंड्स हाउ आर यू ऑल हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी टुडे लेट अस रिकॉल द पोएम वंस आई सॉ सो लिटिल वर्ड तो आज हम जो है जो हमने पोएम पढ़ी थी आई सॉ सो लिटिल वर्ड उसको जो है एक बार रिपीट करेंगे रिकॉल करेंगे एंड वन लिटिल किटन और जो हमने दूसरी पोइम पढ़ी थी वन लिटिल किटन दोनों को हम जो है क्या रे, करने वाले हैं रिकॉल करने वाले हैं बाय आंसरिंग सम क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन के आंसर देते हुए फिल इन द ब्लैंक फिलो की द जो नीचे जो ये जो फिलप् लिए गए हैं इनको कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ गिवन पिक्चर ये जो पिक्चर्स दी गई है, हैं इनके हेल्प से जो लिखते हैं द चिल्ड्रन सॉ लिटिल वर्ड बच्चे ने क्या देखा था एक छोटा सा पक्षी देखा था इट सॉ फ्लाइंग टू द विंडो ठीक है विंडो विंडो ये है ना खिड़की और यहाँ पे है फिश फिश लिव्स इन अ वाटर बी बीज गिव अस हनी और ये है आई सेल द सेल्स सैड ठीक है ये सैड फेस है द ईल्स वर हैप्पी ये हैप्पी फेस अब आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है लेटेस्ट रीट आइडेंटिफाई सम इमोशन्स कुछ इमोशन्स दिए गए हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स वी नो दैट इमोशंस आर फीलिंग स्टार्ट वी हैव ड्यूरिंग डिफरेंट इवेंट्स अलग अलग इवेंट्स हम होते हैं हमारे लाइफ के उसमें हम जो है फील करते हैं उसे हम इमोशंस कहते हैं लाइक like, हम कभी खुश होते हैं कभी रोते हैं कभी नर्वस होते हैं कभी हम ब्रेव हो जाते हैं बहादुर बन जाते हैं कभी हम सैड हो जाते हैं अब आगे चलते देखिए लेट अर्स हैव लेट इस हैव सम मोर फन बाइक कम्प्लीटिंग पेज नंबर थर्टी थ्री ऑफ योर इंग्लिश टेक्स बुक आपकी इंग्लिश टेक्स बुक में जो है इस तरीके का पेज दे रखा होगा ठीक है पेज नंबर थर्टी थ्री पे द पिक्चर्स गिवन ऑफ फॉर योर रेफरेंस ये पिक्चर दी गई है आपके रेफरेंस के लिए उसको जो है कम्प्लीट करना है आपको तो देखते हैं इसमें क्या करना क्या है आपको ठीक है देखिए बैग है ये तो आपको नाम लिखने हैं ठीक है थीके? नाम लिखने हैं आपको पिक्चर्स के तो देखिए बैग ये क्या है बच्चों एंट है तो एंड कहाँ लिखा है देखिए ये एंड इसको आप इसे मैच कर दोगे ये है पेन पेन कहाँ लिखा है ये रहा, पेन ये एक्स है ठीक है और ये है टैप ये टैप और ये है पे, कैन सॉरी टीन है ये टीन ये है बैग येरा बैग लिखा है बेड बेड कहाँ लिखा है बच्चों उन, बेड तो भी हमें कहीं नहीं रहा हम बाद में देखते है, हैं ये रहा और उसके बाद है फॉक्स फॉक्स एरा आपका उसके बाद है कैप ठीक है कैप ये कॉट बचा अच्छा कॉट ये है कॉट ठीक है ना तो अब देखिए बच्चों इस तरीके से आपको मैच करना होगा या फिर नाम लिखना होगा वो आपकी बुक में लिखा है कि करना कैप आपको अब देख लेते हैं कि वाकों के लिए का सुझाव है भावनाओं को समझने और व्यक्त करने में बच्चों की सहायता करें तो बच्चे ये थी आपकी आज की वर्कशीट तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बाय बच्चों टेक केयर